तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि एक आरसी ट्रेन की अनबॉक्सिंग करने के लिए। यहाँ पर देखो गाइज मैं आरसी ट्रेन की बदले में एक आरसी बुलेट ट्रेन खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही कम प्राइस में मैंने खरीदी है। आज मैं इस बुलेट ट्रेन की फाइट कराने वाला हूँ लॉन्ग आरसी बस के साथ, और इन दोनों की इकट्ठा फाइट कराऊंगा। ये देखो यहाँ पर अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, आज एकदम तगड़ी वाली फाइट होगी गाइज इन तीनों के बीच में। चलो गाइज फटाफट से पहले इन दोनों को करते हैं अनबॉक्स। मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रेन ही होती है गाइस, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, पर ये ट्रेन की स्पीड कितनी जाती है आज की वीडियो में मैं चेक करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो बहुत ही इजी वे मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मान लो गाइस आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो, देख सकते हो इस तरह से वीडियो प्ले होता है। जैसे ही आप वीडियो को पॉज करोगे यहाँ पर आपको एक व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पर अनबॉक्स की है सारी चीजों का बाय लिंक आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो खरीद भी सकते हो। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है और देखते हैं इसके क्या क्या मेन फीचर्स दिए हुए। बॉक्स पैकिंग तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है, देख सकते हो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने इसको पैक करके रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका रिमोट, स्टीयरिंग टाइप रिमोट हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर दो जॉयस्टिक्स मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ कोई भी ट्रिगर नहीं मिलता है, बीच में एक सिंगल बटन मिल जाता है। यहाँ पर है हमारी बुलेट ट्रेन का मेन इंजन, यहाँ तक ये जो पार्ट है ना दोस्तों इसको इंजन बोलते हैं। इस तरह का इंजन मिल जाता है। यहाँ से जो है पीछे पैसेंजर्स बैठने के लिए बहुत सारे सीट्स वगैरह लगाए गए। ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट, देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा बैटरी कंपार्टमेंट दे रखा है। हम चाहे तो इसके अंदर बड़ी 7.4 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं। देखते हैं अभी इसका ये जो पीछे का कोच है कितने ढेर सारी सीट्स है, इस तरफ से भी सीट्स लगाई गई है और इस तरफ से भी सीट्स लगाई गई है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। व्हील्स की क्वालिटी सच बताऊं तो गाइस मेरे को उतनी खास लगी नहीं, बहुत ही ज्यादा बारीक वाले व्हील्स दे रखे हैं। अभी अनबॉक्स करते हैं आरसी लॉन्ग बस को। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वो वाली बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। यहाँ पर है इसकी बैटरी, बैटरी बहुत ही छोटी दे रखी है, 4.8 वोल्ट 700 mAh की बैटरी है, पुराने जमाने वाली बैटरी मिल जाती है इसके साथ। यहाँ पर है इसका चार्जर। अभी निकालते हैं हमारी बस को। देखो गाइस ये जो बस है ना यार लॉन्ग बस है, बहुत ही ज्यादा लेंथ होती है इस बस की। सेम रिमोट दे रखा है। ये रही अपनी बस, बस देखो यार कितनी ज्यादा स्लीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन जितनी ही बड़ी है, पर ट्रेन तो इससे कई ज्यादा गुनी बड़ी है गाइस। मैं भी आपको दोनों को कंपेयर भी करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसके डोर्स है, पर ये डोर जो है हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर की सीट है, कितनी ढेर सारी सीट्स इसके अंदर लगाई गई है। बीच में यहाँ पर एक जॉइंट मिल जाता है, ये जो है फ्लेक्सिबल है नहीं, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक से इसको जॉइंट किया हुआ है। टोटल इसके अंदर 6 व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है। ओवरऑल इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाई गई है। तो गाइस ये देखो आ चुकी है अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार भी। देखते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार अपनी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन को हरा पाती है या नहीं। तो फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ साइड में, फटाफट से पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस अपनी जो बुलेट ट्रेन है सच में काफी ज्यादा लंबी है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज की फाइट में कौन जीतता है, बुलेट ट्रेन अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को हरा पाती है या नहीं। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले टेस्ट करते हैं आरसी बुलेट ट्रेन को। ये ट्रेन कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही है यार यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसके सामने जो छोटा सा गड्ढा आया था गाइस देख सकते हो, पीछे का कंपार्टमेंट इसका पूरी तरीके से अलग हो चुका है। इसको हम लोग इसी तरह से अभी टेस्ट करने वाले हैं। काफी अच्छे तरीके से चल रही है, कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसको हार्ड सर्फेस पर चलाएंगे तो ये थोड़ा सा जंप होने लगती है। अभी देखो यहाँ पर मैं इसको एकदम स्मूथ सर्फेस पर चला रहा हूँ, यहाँ पर रोड जो है काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसकी लेंथ देखो यार कितनी ज्यादा दी गई है, लुक्स बहुत ही ऑसम है। इसके सामने से अगर आप इसको देखो ना यार आपको लगेगा कि ये एक पूरी तरीके से रियल बुलेट ट्रेन है। अभी टेस्ट करते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को। ये एक बहुत ही परफेक्ट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है। इसकी कंट्रोलिंग बहुत ही ऑसम दी गई है, टर्निंग रेडियस भी बहुत ही ज्यादा कम है, इसकी स्पीड भी मेरे को ठीक ठाक लग जाती है। लुक्स के मामले में भी ये कार एक नंबर है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देती है। इसकी सबसे खास चीज मेरे को लगते हैं इसके व्हील्स, बहुत ही ज्यादा रियल टाइप के व्हील्स इसके अंदर लगाए गए हैं। अभी मैं टेस्ट
करने वाला हूँ आरसी लॉन्ग बस को, आरसी ट्रेन को भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, F1 आरसी कार को भी टेस्ट किया है। इंडोर में तीनों को भी चलाना बड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि देख सकते हो इनकी लेंथ काफी ज्यादा होने के कारण टर्निंग रेडियस बहुत ही ज्यादा होता है, तो इंडोर में बहुत मुश्किल से ये टर्न होती है। आउटडोर में देखो बस बहुत परफेक्ट तरीके से चल जाती है और इसको चलाने में भी कोई दिक्कत होती नहीं है। लुक्स की बात करूं तो लुक्स बहुत ही ऑसम है, सामने हेडलाइट्स इसके परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, साइड से अगर आप इसको देखो ना बहुत ही ज्यादा रियल बस के जैसे ही ये दिखाई देती है। अभी मैं कराऊंगा बस वर्सेस बुलेट ट्रेन की रेस, देखते हैं गाइस रेस में यहाँ पे कौन जीतता है। वापस से देखो यार बुलेट ट्रेन का पीछे का कंपार्टमेंट निकल चुका है और अपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड देखो बहुत ही ज्यादा दी गई है। बुलेट ट्रेन की स्पीड मेरे को लग रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर तक बड़ी आसानी से जा सकती है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बुलेट ट्रेन अपनी जीत चुकी है इस रेस को। अभी मैं रेस कराने वाला हूँ बुलेट ट्रेन वर्सेस फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की, देखते हैं गाइस इन दोनों में से अभी कौन जीतते हैं। देखते हैं बुलेट ट्रेन का कंपार्टमेंट वापस से निकलता है या नहीं, आप देखते हो वापस से इसका कंपार्टमेंट निकल चुका है। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ पर अभी तक मैंने F1 की फुल स्पीड नहीं बढ़ाई है, देख सकते हो गाइस इसकी स्पीड मैंने जैसे ही फुल बढ़ाई है, ओ माय गॉड सच में F1 RC कार बहुत ज्यादा फास्ट है। बुलेट ट्रेन यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुकी है। अभी मैं कराने वाला हूँ इन दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, बुलेट ट्रेन या फिर अपनी RC बस। टक्कर बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पर बुलेट ट्रेन RC बस के ऊपर भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है, क्योंकि बुलेट ट्रेन बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर पावर भी बहुत ही ज्यादा दी गई है। क्लियरली बुलेट ट्रेन जीत चुकी है। अभी तक हम फोर कराते हैं बुलेट ट्रेन वर्सेस F1 RC कार के बीच में। यहाँ पर बुलेट ट्रेन को फॉर्मूला 1 रेसिंग कार ने पूरी तरीके से पीछे से उठा के रख दिया है, इतनी ज्यादा पावरफुल है फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, ओ माय गॉड बहुत ही आसानी से यहाँ पर बुलेट ट्रेन को हरा के रख दिया है। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार जीत चुकी है। अभी यहाँ पर मैं टफनेस टेस्ट करने वाला हूँ तीनों की ही, देखते हैं गाइस कौन टूटता है कौन बचता है ये वाले टेस्ट में। सबसे पहले मैंने बुलेट ट्रेन को ऊपर से फेंक दिया है, यहाँ पे देख सकते हो बुलेट ट्रेन की हालत बड़ी खराब हो रखी है, ओ माय गॉड इसके ऊपर बहुत ही इंपैक्ट पड़ा है। अभी मैं ऊपर से जंप कराने वाला हूँ आरसी बस को, आरसी बस को भी मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है, आरसी बस की बैटरी भी निकल चुकी है। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार तो भाई साहब 3-4 कुलाटी मारकर नीचे आ चुकी है। अभी एक एक करके तीनों को मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, देखते हैं कौन फूट चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर बस अपनी सही सलामत लग रही है, सिर्फ इसकी बैटरी निकल के बाहर की तरफ आ चुकी है, इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई गई। अभी बुलेट ट्रेन को टेस्ट करते हैं, बुलेट ट्रेन के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई है, ये भी बुलेट ट्रेन परफेक्ट तरीके से काम कर रही है भाई साहब। यहाँ पर देखो यार मेरे को लग रहा है फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के अंदर कुछ तो दिक्कत आ चुकी है, इसके लगता है वायरिंग वगैरह उखड़ चुकी है या फिर इसका बैटरी का कनेक्शन निकल चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करूंगा। अभी बुलेट ट्रेन का वेट पुल टेस्ट में कराने वाला हूँ, पीछे की तरफ 10 से 12 किलो का वेट मैंने डाल दिया है, देखते हैं अपनी बुलेट ट्रेन इतना ज्यादा वेट खींच पाती है या नहीं। ओके थोड़ा सा तो खींच रही है, पूरी कोशिश कर रही है, ओ माय गॉड मेरे को लगता है अभी इसके अंदर कुछ दिक्कत आ चुकी है। अभी ये बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं पा रही है, ये पूरी तरीके से रुक चुकी है। अभी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को टेस्ट करते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार भी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इतना ज्यादा वेट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार भी नहीं खींच पा रही है। तो माय डियर दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग कार पसंद है या फिर अपनी बहुत ही बड़ी वाली आरसी बुलेट ट्रेन पसंद है या फिर अपनी लॉन्ग आरसी बस पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो भी मैं दे देता हूं शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है अनिर्बन धारा, अरित्रा रॉय, मोहम्मद शाद, अयाज, स्वरित, नीरज शर्मा, सुमित, कृष्णा, जगन्नाथ, संतोष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।